हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैक्रोलाइड्स के जो अलग अलग ड्रग्स हैं उन सब का डिफरेंस, उन सब में आपस में क्या क्या डिफरेंस है। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था मैक्रोलाइड्स का क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजी, हमने पूरी डिस्कस की थी। वहाँ मैंने आपसे बताया था कि इन सभी जो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनके बीच में हम कंपेरिजन देखेंगे, इनके एडवर्स इवेंट और यूजेस के बीच में इनका स्पेक्ट्रम क्या है, मैकेनिज्म एक्शन क्या है, तो इनमें कौन कौन से पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है वो हम इनको देखेंगे। ओके, सो जो अभी हम मैक्रोलाइड्स के अंदर जो डिफरेंस देखने वाले हैं वहां पर जो ड्रग इंपॉर्टेंट है, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन, फिडाक्सोमाइसिन एंड स्पाइरामाइसिन। ओके, सो इन सारी ड्रग्स के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या इनमें डिफरेंसेस है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में रॉक्सिथ्रोमाइसिन। सो एक बार मैं आपको बता दूं, ये सारी ड्रग्स जो हैं दे आर बाइंड ऑन द 50S साइट एंड दे आर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। दे आर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ओके, नाउ लुकिंग ऑन द रॉक्सिथ्रोमाइसिन, सो रॉक्सिथ्रोमाइसिन जो है हमारे पास में सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है। ओके, अगर क्लेरिथ्रोमाइसिन को देखें तो क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है सिंथेटिक डेरिवेटिव है। एजिथ्रोमाइसिन कंटेनिंग व्हाट, इट कंटेन एजाइड इन इट्स स्ट्रक्चर, एजाइड कंटेनर है ये। ओके, टेलिथ्रोमाइसिन को देखें तो टेलिथ्रोमाइसिन इट इज अ कीटोलाइट, कीटोलाइट टाइप ऑफ मैक्रोलाइट है, मींस इट इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ ड्रग अमंग द मैक्रोलाइट जिसमें भी कीटोलाइड है। यहाँ पर लैक्टोन रिंग में जो है कार्बामेट इंट्रोड्यूस किया गया, कार्बामेट इंट्रोड्यूस इन लैक्टोन रिंग। ओके, एंड फिडाक्सोमाइसिन इज अ नेचुरली ऑकरिंग माइसिन, सो वी आर ऑब्टेन इट फ्रॉम एक्टिनोमाइसिटीज। सो एक्टिनोमाइसिटीज जो है डैक्टाइलो स्पोरेंजियम, डैक्टाइलो स्पोरेंजियम के फर्मेंटेशन से हमें मिलता है। सो फर्मेंटेशन से मिलता है। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि डैक्टाइलो किससे मिल रहा है, डैक्टाइलो स्पोरेंजियम से मिल रहा है, एंड इट इज व्हाट इट इज एक्टिनोमाइसिटीज। क्लियर एवरीवन? नाउ लुकिंग ऑन द स्पेक्ट्रम, इन सबका स्पेक्ट्रम क्या क्या है, सो स्पेक्ट्रम देखते हैं। ऑलमोस्ट स्पेक्ट्रम जो है मोर ओवर एरिथ्रोमाइसिन का जो स्पेक्ट्रम है वही स्पेक्ट्रम रहेगा, बट देर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, उस डिफरेंस को देखते हैं। सो रॉक्सिथ्रोमाइसिन इज मोर एक्टिव ऑन, इट इज मोर एक्टिव ऑन, इट इज मोर एक्टिव ऑन ब्रानेमेला कैटरालिस। ओके, लेजियोलेना और गार्डेनेला वेजाइनेलिस। So it is more active on these three microbes. Okay, if you are looking on the clarithromycin, then clarithromycin is more active on mycoplasma, lapri and mycobacterium avium complex and listeria and pneumonia and H. pylori. So this is active on these bacteria, more active on these bacteria. If you are looking on the azithromycin, then azithromycin is having a similar spectrum, but it is more active again on H. influenza
एंड क्लेमाइडियल ट्रैकोमैटिस एंड क्लेमाइडियल निमोनी एज वेल एज इट ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट माइकोप्लाज्मा निमोनी एंड लिस्टेरिया एंड मोरेक्सेला. ओके, इफ यू आर लुकिंग ऑन द टेलिथ्रोमाइसिन, देन टेलिथ्रोमाइसिन इज मोर एक्टिव अगेंस्ट निमोनी bacteria. So that is important because we are using, I am only mentioning this bacteria because we are using it against for this bacteria. So this is beneficial currently only to learn for this bacteria as well. However, it is also active on other bacteria as well. And fidaxomicin is active against, it is active against Clostridium difficile. Okay, so it is the only macrolide that is active against Clostridium difficile induced diarrhea. So we are only using this bacteria macrolide, aisi macrolide fidaxomicin hai jiske against mein hum Clostridium difficile ke against mein we are using. Now looking on the pharmacokinetic parameters, अगर हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स देखें इसके, तो जहां पर एरिथ्रोमाइसिन जो थी वो एसिड लेबाइल थी, यहां पर मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो एसिड स्टेबल है. ओके, सो दिस इज आल्सो एसिड स्टेबल, इट इज आल्सो एसिड स्टेबल, एजिथ्रो इज आल्सो एसिड स्टेबल and telithro also acid stable. Okay, the other parameter like T half, if you are looking, so roxithro has almost 12 RT half, clarithromycin has, if you are looking on low dose or high dose, so for T half it has a, for low dose it has a 3 to 6 RT half, or for high dose it has a 6 to 9 RT half. So that is the difference. Azithromycin has a T half greater than 50 hours, so that is important. Telithromycin almost 11 to 12 hour is the T half, and fidaxomicin also has a 11 आर टी हाफ. सो दिस इज, अगर इसका टी हाफ ज्यादा है सो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, वंस अ डे इसकी डोजिंग हो सकती है. वंस अ डे डोजिंग, यहां पर ट्वाइस अ डे डोजिंग करनी पड़ेगी, ट्वाइस अ डे डोजिंग. सो दैट इज बेनिफिट ऑफ द एजिथ्रोमाइसिन की, इसको वंस अ डे ही देना पड़ेगा. अगर हम देखें कि ये जो एरिथ्रोमाइसिन है, अगर मेटाबॉलिज्म अगर इनका देखें हम, मेटाबॉलिज्म, सो मेटाबॉलिज्म के लिए साइटोक्रोम पी 3A4 को अगर देखें, तो एरिथ्रोमाइसिन जो थी साइटोक्रोम 3A4 की इनहिबिटर थी. सो ये सब भी ऑलमोस्ट जो है साइटोक्रोम 3A4 की इनहिबिटर है, बट यहां पर कहां डिफरेंस है वो चेक करते हैं. सो if you are looking on the cytochrome 3A4, so this drug roxithromycin is inhibitor of cytochrome 3A4, but less than erythromycin, less than erythro. Okay, clarithro also, it is also cytochrome 3A4 inhibit, but less.
एजिथ्रो इज नॉट अ इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम 3A4. सो यहाँ पर जो है कार्डियक अरिथमिया वाला जो ड्रग इंटरैक्शन है वो नहीं होगा. सो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट कि एजिथ्रोमाइसिन पर जो है साइटोक्रोम 3A4 इनहिबिशन नहीं है. साइटोक्रोम 3A4 इनहिबिशन नहीं है. ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. टेलिथ्रो इज ऑल्सो अ साइटोक्रोम 3A4 इनहिबिटर एंड फिटॉक्सोमाइसिन, बट करंटली वी डू नॉट हैव सम डाटा. ओके, नाउ लुकिंग ऑन द एडवर्स इवेंट. एडवर्स इवेंट को अगर हम देखें तो एडवर्स इवेंट जो है, मैंने आपको बताया था मैक्रो, बताया था मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी मैक्रो. ओके, सो ऑलमोस्ट यहां पर रॉक्सिथ्रोमाइसिन में हम क्या करते हैं, मैक्रो में से ओ हटा देते हैं. सो MACR तो है ही सही, यहां पे MAC में भी यहां पर C को भी हम हटा देते हैं तो MAR बचता है. सो MAR यहां पर है और दे आर लेस. MAR से मतलब हो गया मोटिलिटी, एलर्जिक रिएक्शन एंड रैशेस, ये तो अवेलेबल होंगे ही सही रॉक्सिथ्रोमाइसिन में. एंड कंपैरेटिवली दे आर लेस देन इरिथ्रोमाइसिन, सो ये मोर सुटेबल हो जाएगी हमारे पास में. सो लेस देन इरिथ्रोमाइसिन. ऑल्सो क्लेरिथ्रोमाइसिन में भी सिमिलर है, ADR सिमिलर टू रॉक्सिथ्रो. एंड एजिथ्रो ऑल्सो हैव अ सिमिलर प्रोफाइल अगेन इन ADR सिमिलर टू रॉक्सी. ओके, एंड टेलिथ्रोमाइसिन ऑल्सो हैज अ सिमिलर प्रोफाइल. ओके, सिमिलर एंड दे प्रोड्यूसिंग लेसर साइड इफेक्ट. Similar and less side effect. Okay, so all the drugs are producing lesser side effect than erythromycin. Now, if you are looking on the uses, so uses जो इनके हैं वो similar हैं. Like यहाँ पर जो है ये ENT infections में काम आ रहा है. ENT infection, skin infection and soft tissue infection and gonadal infection. Okay, अगर हम clarithromycin की बात करें तो clarithromycin also has a similar uses as in erythromycin. Azithro also has a similar but it is a first choice similar and it is a nowadays it is a first choice for chlamydial trachomatis infection. Chlamydial pneumonia infections. Okay, and the rest are the similar like diphtheria and tetanus and respiratory tract infections. Okay, telithromycin का एक ही use हम याद रखेंगे क्योंकि ये उसी के लिए approved है. So community acquired pneumonia के में use आ रही है. And we are using telithromycin for macro erythromycin resistance cases. जहां भी erythromycin के resistance cases हैं pneumonia के against में, वहां पर हम telithromycin को use कर रहे हैं. So that is important part. Okay. And fidaxomicin को हम use कर रहे हैं
क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल इंड्यूस डायरिया केसेस। ओके, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल इंड्यूस डायरिया केसेस, वहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं। ओके, अब यहां पर एक ड्रग और आप देख लीजिए, एक ड्रग जो हमारी बची है दैट इज व्हाट, स्पायरामाइसिन। दैट इज व्हाट, स्पायरामाइसिन। ओके, जो स्पायरामाइसिन हमारे पास में है, सो स्पायरामाइसिन जो है इसका केवल यूज याद रख लीजिए, ये जो यूज आती है वो टॉक्सोप्लाज्मा गोनोडाई इंफेक्शन में काम आती है। यूज इज व्हाट, टॉक्सोप्लाज्मा गोनोडाई इंफेक्शंस। ओके, सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो स्पाई लोग होते हैं वो गोनिड्स तक भी पहुंच जाते हैं। क्या कैसे याद रखेंगे, जो स्पाई होते हैं, स्पाई मतलब आपको पता ही है जासूस लोग, तो जासूस लोग कहां तक पहुंच गए, गोनिड्स तक भी पहुंच गए। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। यहां पर आपको ये तीनों ड्रग्स याद रखनी, क्योंकि स्पायरामाइसिन केवल सिंगल यूज टॉक्सोप्लाज्मा गोनोडाई के लिए यूज आ रही है, फिर डॉक्सोमाइसिन क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल इंड्यूस डायरिया के केसेस में, पीडियाट्रिक केसेस में यूज आ रही है, एंड टेलिथ्रोमाइसिन जो है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया रेजिस्टेंस केसेस ऑफ एरिथ्रोमाइसिन में यूज आ रही है। एजिथ्रो को हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलन है इसका। ओके, सो इन सभी के बीच में यूज आ रही है, और जनरली फर्स्ट चॉइस ड्रग है आज के टाइम में रॉक्सीथ्रोन के एरिथ्रो आर ऑल्सो अल्टरनेटिव टू एरिथ्रोमाइसिन। ओके एवरीवन, हेलो एवरीवन, नाउ डिस्कसिंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू मैक्रोलाइड कंपैरिजन सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्पायरामाइसिन इज अप्रूव्ड टू ट्रीट ए डिप्थीरिया, बी टिटनस, सी टॉक्सोप्लाज्मा गोनोडाई इन्फेक्शन, डी नन। सो आई ऑलरेडी डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द लेक्चर, सो यू हैव टू वॉच द होल लेक्चर एंड गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेलिथ्रोमाइसिन इज अप्रूव्ड टू ट्रीट कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कार्डियक अरिथमिया, टॉक्सोप्लाज्मा गोनोडाई इन्फेक्शन एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। सो अगेन यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर टेलिथ्रोमाइसिन, इट इज अ कीटोलाइट डेरिवेटिव, इट हैज अ कार्बामेट रिंग इन इलेक्ट्रॉन रिंग, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following is not a cytochrome P3A4 inhibitor? Erythromycin, roxithromycin, clarithromycin and azithromycin. The last question from this section is, fidoxamicin is approved to treat A. Clostridium difficile induced diarrhea, B. Toxoplasma gonadal infection, C. both and D is none of these. So all the answer of the question of these section are given already in the lecture, so you have to answer in the comment box. So, यहाँ पर हमारा मैक्रोलाइट कंप्लीट होता है। अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के साथ में ही मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए और उनको कमेंट बॉक्स में लिखे, एंड जो भी आपको इसमें इस जो भी मैंने आपको समझाया है, जो भी जैसा आपको समझ में आया उसके बारे में आप कमेंट लिखें, और अगर नहीं भी समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया उसके बारे में भी लिखें, ताकि उसको मैं आगे के वीडियो में आपके लिए क्लियर कर सकूंगा। ओके एवरीवन, सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में दूसरे लोगों को भी बताएं कि इस चैनल पर जो है हमारे पास में और फार्माकोलॉजी की वीडियोज़ अवेलेबल है। क्लियर? ओके।